आपका शुक्रिया हारून भाई। जहान, जहान आया है क्या? हाँ, वेलकम हारून, कैसे हो बेटा? थैंक यू अम्मी। अरे लगता है तुम दोनों को भी दूल्हा मिल गया है, ये फूल कहाँ से आए हैं? अम्मी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ये आपके लिए, लेकिन ये आपसे अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपकी तरह नहीं है। बहुत शुक्रिया बेटा, क्यों सहमत की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये उन फूलों जैसा नहीं जैसे जान अब्बू आपको देते हैं। उम्मीद है वो आपको बहुत सरप्राइज देते होंगे। माशाल्लाह नजर न लगे, अब्बू का प्यार आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है अम्मी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। मैंने जहान अब्बू से परमिशन ले ली है, अगर आपकी भी इजाजत है तो मैं यारीन को खाने पे ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ, जाओ जल्दी से जाओ। उनको जहमत ना दीजिए अम्मी। अरे नहीं बेटा, जहमत की क्या बात है, ये लोग हर मामले में घुसती हैं, बस हमने खुद ही सर पे चढ़ा लिया है। कोई बात नहीं, ये फूल बहुत प्यारे हैं, अब देखना तो ये है कि मेरी बेटी कैसा रिस्पॉन्स करती है। यारिन, हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लाइफ। थैंक यू सो मच डियर। अम्मी, हारून ने मुझे लंच पे लेके जाने के लिए कहा, मैंने हाँ कर दी। आप तो जानती हैं आज स्पेशल दिन है ना, क्या हम जा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, तुम लोग जाओ एंजॉय करो, क्यों नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। थैंक यू मम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, लगता है इस लड़की को अकल आ गई, कितना अच्छा लड़का मिला है, अल्लाह इनकी हिफाजत कर। या अल्लाह तू मेरी भी मदद कर, जहान को अकल दे। मैं जहान के लिए आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह तू ही मदद करने वाला है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लाइफ। हमारी जिंदगी में और भी काफी अच्छे दिन आते रहेंगे, सॉरी बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे लिए जहर बन जाए। क्या कहा तुमने? हारून, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें देखा नहीं मैंने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर इंसान अपने प्यार के साथ हो तो याद रखो कुछ भी नहीं होता। हाँ, असल मसला तो यही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि सच तो ये है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यारीन, तुम फोन पर तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, अभी तो तुम मुझे जानती भी नहीं हो, अगर मुझे जान जाओगी तो प्यार करने लगोगी तुम मुझसे। ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? जहां तक मेरी बात है तो सामने वाले का खेल मैं उसी पर खेलना पसंद करता हूं। क्या मतलब? तुम्हें खेलना नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हारा खेल जान गया हूं। कौन सा खेल, क्या बोल रहे हो? तो मैडम, तुम अभी तक नहीं समझी? क्योंकि हम दोनों ने खाना खाना है, इसलिए आग से तो खेलना पड़ेगा ना। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मर जाऊंगी ये काम करने से पहले। वो कहते हैं ना, ज्यादा खा लो लेकिन ज्यादा बोलो मत। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ खेल खेलोगी तो फंसोगी तुम ही। अच्छे से पकाओ, कहीं कच्चा ना रह जाए, दिखाओ जरा। अच्छा हुआ कि मुझे पता लग गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब हम लोगों को एक साथ रहना है ना, तो मुझे सोचना तो होगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम पनाह मांगोगे लेकिन तुम्हें कहीं सुकून हासिल नहीं करने दूंगी मैं, देखते जाओ तुम,
सबको समझ आ जाएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं बताऊंगी उन्हें। कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन सोचती अच्छा हो। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मसला क्या है तुम्हारा? जानती हो मेरा मसला क्या है? मैं प्याज भी खाना चाहता हूं, और ये भी चाहता हूं कि जब तुम मुझे किस करने आओ तो स्मेल भी ना आए, समझी तुम? मैं शेर की तरह हूं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मैं इस शेर को बिल्ली बना के छोड़ूंगी, देखना तुम। चलो चलो, मुझे घर छोड़ के आओ। अब सबर करो, खाने दो मुझे।